Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। मुसलमानों ने महबूब नगर के लिए ईदगाह वक्फ़ रहमानिया के अराजी पर हुकूमत और ईदगाह कमेटी की जानिब से शादी खाने की तामीर का मंसूबा मनाया गया, लेकिन महबूब नगर के मुस्लिम तंजीमों और दानिश्वर तबके की जानिब से ये कहकर मुखालिफत कर रहे थे कि ईदगाह वक्फ़ रहमानिया पर शादी खाना तामीर किया जाता है तो मुस्तकबिल में मुसल्लियों को जगह नाकाफ़ी होगी। मुसलमानों ने महबूब नगर के लिए शादी खाने की तामीर कहा हो, इस सिलसिले में आज बामुकाम गालिब हॉल रूबरू मदीना मस्जिद महबूब नगर में एक मशावराती इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें मसाजिद के जिम्मेदारान व दानिश्वर हजरात के साथ साथ तमाम तंजीमों, सियासी जमातों और कौम व मिल्लत का दर्द रखने वाले नौजवानों ने शिरकत करते हुए शादी खाने की तामीर कहाँ हो तबादला ख्याल किया गया। देखिए ये रिपोर्ट, प्योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। पर कोई और चीज़ की जो है ना बनावट, कोई और चीज़ मस्जिद के वहाँ पर नहीं बन सकती, जिसकी एक मिसाल पीछे हम हदीब ईदगाह में बता चुके हैं आपको, आप सब जानते हैं। तो वहाँ पर ईदगाह में अल्लाह के घर में फंक्शन हॉल की तामीर का काम, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वल्ला मालूम। तो बहरहाल हम लोग यहाँ पर जितने भी जमा हुए हैं और तमाम महबूब नगर का गमो गुस्सा बस यही है कि ईदगाह पर फंक्शन हॉल नहीं बनना चाहिए, कहीं और बनाए, जैसे कि ऑलरेडी उर्दू घर है हमारा फंक्शन हॉल, जिसे गैराबाद कर दिया गया वहाँ पर बनाए। फंक्शन हॉल बनने के खिलाफ हम बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर बनने के हम खिलाफ हैं। और दूसरी चीज़, जैसे कि अभी अवैध भाई भी बताए, हमको भी बहुत तकलीफ हुई कि भैया हमारी, हम जब से 20 से 25 साल हो गए हम होश संभाले, हम देख रहे कि आज तक हमारी इबादत गाँव में, हमारे ईदगाह कमेटियों में हुकूमत का अमल दखल नहीं हुआ। ये आजकल जो नए बरसाती बेंदुबान जो चापलूसी करते हुए, मैं खुले अल्फाज में बोलना चाह रहा हूँ, जो चापलूसी करते हुए हुकूमत की इतना मुसलमानों का कौम का विकार घटा दिए, जिसकी हद हम बयां नहीं कर सकते। हमको पर्सनली इंफरादी तकलीफ नहीं है किसी से भी। आज हर कम्युनिटी को उनके हुकूक दिए जा रहे, उनकी कौम, उनके पॉलिटिशंस मांग रहे, उनको मिल रहे। हमारी सियासतदान, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी कौम के लिए फिक्रमंद होकर, आज हमारे को एक तारीखी एमएलए मिला, बहुत बेहतरीन एमएलए, महबूब नगर को गौरव किया अलहमदिल्ला, बहुत बेहतरीन है। आज तक बहुत कम एमएलए जो है ना ऐसे गुजरे, तो काम ले सकते थे फौज का अपनी कम्युनिटी के लिए, लेकिन नहीं लिए। तो यहाँ पर एक और एक अहम बात मैं बताना जरूरी समझूंगा, वहाँ पर मेरे भाई दूरअंदेशी की बात कर रहे हैं कुछ नाअहिल लोग कि भाई अगर वहाँ पर फंक्शन हॉल बनाइए तो वो जमीन बच जाती, नहीं बोलो तो कब्जा हो जाती। तो मैं यहाँ पर बताना जरूरी समझूंगा, अगर आपको इतनी फिक्र है कब्रस्तान के हमारे ईदगाह की जमीन को बचाने की, तो 77 और 78 हम सब बेहतर जानते हैं इस बात। नवापेट के तरफ भी हमारे को, मैं समझता हूँ कि 6 से 10 एकड़ की जमीन है, बहरहाल जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों में हिम्मत है तो वहाँ पर बनाइए फंक्शन हॉल, 77 78 में जाइए, क्यों नहीं जाते वहाँ पर, एक चीज़। दूसरी चीज़, जैसे कि आप सब इस बात से वाकई के वाकिफ हैं, फिर भी बताता चलो, एक बार फंक्शन हॉल के लिए जब भाई वो 500 गज हो या 1000 गज हो, जो भी है हम दे देंगे बलदेव की थ्रो, सीधे सीधे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जारी, गवर्नमेंट लाइन हो गई, फिर कहाँ पर रही वो वक्फी जायदाद, जिस तरह से चंद साल उर्दू घर चला उसी तरह से फिर वो फंक्शन हॉल चली ना, उसके बाद फिर खराब आप। दूसरी चीज़ अहम समझने की ज़रूरत है, वो जर्नल है, अल्लाह के घर पे फंक्शन हॉल कैसा बनाते हैं, हाफिज है, समझने की जरूरत है हमको। बहरहाल आप सभी से और बिलखसूस हुकूमत से हमारा मुतालिबा है कि भाई उस मुकाम पर फंक्शन हॉल नहीं बनना चाहिए, हमको भी फंक्शन हॉल की जरूरत है और तमाम चीजों की, जैसे कि हमारे मीर शोएब भाई बताए, तमाम चीजों की जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट लाइन पर उसी तरह से दिया जाए जिस तरह से हमारे दूसरे गैर मुस्लिम भाइयों को दिए जा रहे हैं। 4 से 5 वार्ड के दरमियान एक एक फंक्शन हॉल है, उनके सियासतदान, उनके पॉलिटिशियंस हुकूमत से तलब कर लेकर आए, हमारी कौम सिर्फ, हमारे पॉलिटिशियंस सिर्फ चापलूसी करने में मदद। तो बहरहाल ये बातें आपसे करनी थी, वक्त कम है, वक्त का तकाजा है, आप लोग भी कम वक्त में अपने खेत के मशवरे पेश करें। बहरहाल मैं फिर एक बार बताता चलूँ कि वहाँ पर हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि फंक्शन हॉल का काम हम रोकें, हमारा मकसद ये है कि फंक्शन हॉल वहाँ पर नहीं बल्कि उर्दू घर जो है वहाँ पर बनना चाहिए। आज हुकूमत तरक्की कर रही,
हम अस्सी महेंद्र नगर असेंबली कार्य सदस्य हत्या ज्यादा देखेंगे वो श्रीनिवास गौड़ साहब ने नहीं किया है उनका मिनिस्टर बन के फोन किया है अच्छी तरह से करें इसमें मदद भी करके अगर देखेंगे तो बात कवर के पास तो ये परमानेंट विधायक का जो है स्टेज बना दिया। दूसरी बात विधायक बिठाने के लिए एक घंटे वन आवर विश्व हिंदू परिषद के लीडरों को बुला के आरडीओ ऑफिस के अंदर 300 गज जमीन कलेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ कलेक्टर 300 गज जमीन की प्रोसीडिंग दिला के जब संघीय बुनियाद रख के मरिया डाले होम डाले श्रीनिवास गौड़ साहब और मन्ने कुंडा को साउथ तेलंगाना तिरुपति बनाने के लिए कोरिया तक जाए करोड़ों रुपये का खर्च करें वो यार अप्रिसिएटिंग क्योंकि तरफ के खिलाफ कोई मुसलमान नहीं है मगर मुसलमानों के हक में क्या तरफ है ये यार नौजवान सोचना चाहिए लीडर्स ने मुसलमानों के लिए महेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या तरफ हुई है शादी मुबारक दे रही इसके पैसे हमारे पैसे हमारे पैसे हम की शादी मुबारक दे रहे वो टैक्स पेयर्स हम टैक्स पे कर रहे हैं मुसलमान भी टैक्स पे कर रहे हैं हिंदू भी टैक्स पे कर रहे हैं सिर्फ 50 लाख का एक हज हाउस बनाए वो खबरस्तान जाकर लग डाल दिए शर्म की बात है हमारे लिए आज ईदगाह बना रहे सॉरी शादीखाना बना रहे आज शादीखाना बना रहे ईदगाह में बना रहे क्यों भाई आज महेंद्र नगर में फॉर्म का जो कैस्ट का ऐसा डेवलपमेंट हो रहा फंड का सायना हुआ जी कौन है फंड का सायना मालूम होना चाहिए आपको आज उसका स्टैच्यू बनाने के लिए संजीव मुदिराज कांग्रेस पार्टी का लीडर अपने जाति पैसे से मैं स्टैच्यू बना दूं उनको स्टेटमेंट दिए तो जो बुढ़ा का प्रेसिडेंट है महेंद्र नगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रेसिडेंट है वो मछवाड़ा है श्रीनिवास गौड़ साहब से हम बना लगेंगे तुम कौन से बनाए हो रहे हमको शर्म आना चाहिए कहा है महबूब अली खान का मेमोरियल फंक्शन हॉल कांफ्रेंस हॉल कहा है जो महबूब नगर को बनाया महबूब नगर को कायम किया महबूब नगर में कलेक्टर ऑफिस बनाया महबूब नगर में डीओ ऑफिस बनाया रहीम साहब पोस्टर डाले वहीं से पोस्टर हो महबूब नगर के विकास को खत्म किया गया मुसलमान के कल्चर को खत्म किया गया यहाँ पे कुचल दिया गया 100 साल यह तो कलेक्टर ऑफिस अदर दिन है इतिहास को बुलडोजर से जला के खत्म कर दिया गया और डीओ ऑफिस खत्म किया जा रहा वहां के बड़े बड़े मॉल्स बढ़ी आने वाले दिनों में आप तो पंडुगा सायना का स्टैचू बना सकते हैं गौड़ा आत्मगारो भवन बना सकते हैं किसके पैसे कौन किसको बना रहा तेलंगाना स्टेट के अंदर कंप्लीट 100% टैक्स अगर कोई बन रहा तो मुसलमान बन रहा टैक्स डर डर के बन रही म्युनिसिपालिटी टैक्स वाटर टैक्स जीएसटी टैक्स सेल टैक्स इनकम टैक्स बस स्टैंड में एक रुपये तो 5 रुपये 2 रुपये 10 रुपये बन रहे हम इसके बाद के पैसे कौन खर्च कर रहा ऑन द पॉपुलेशन ऑफ केसेस महीने में मुसलमान के लिए आज सिर्फ 1.5 करोड़ उससे 50 लाख रुपए हज हाउस और 1 करोड़ रुपए सैंक्शन नहीं हो रहे शादी खाने का कौन किसको कर रहा कौन पूछना है एम्प्लॉय आ गए फिर हम पूछना नौजवान आप पूछना आप लोग नौजवान पूछना व्हाट्सएप पे किसी मत रहो आप पहलवानी करके और पूरा पूरा हम एक 10,000 पाम्पलेट्स पे तेलंगाना स्टेट में बांट रहे हम लोग मुसलमान से क्या तक की मुसलमान क्या नुकसान हो रहा बोलते ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कांग्रेस के फेवर नहीं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कांग्रेस के फेवर नहीं मुसलमान की हक की आवाज है मेरे भाइयों आज एक रेजोल्यूशन पास कीजिए हमारा जो मशवरा है आप लोग 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ रुपए देना शादी खाने के वास्ते किसकी बात दिखाई रहे हो किसकी बात दिखाई रहे हो डबुल बेडरूम में कितने मुसलमानों को दिए टिकट करना महेंद्रनगर असेंबली कांसू में कितने लाख मुसलमान लोगों ने टिकट करना आज भेड़ों को 10-10 लाख रुपए देने घर पे जाके विदाउट एनी श्योरिटी विदाउट एनी श्योरिटी 10-10 लाख रुपए दे रहे मैं गुजारिश कर रहा हूँ से आप अपने हक की बात करो कर्नाटक में मुसलमान जनता को डुबा दीजिए कांग्रेस को ला लिया क्योंकि मुसलमान के खिलाफ था जनता
खिलाफ था। जब तक आप लोग मुसलमान हक की बात नहीं करेंगे आपको उस पार्टी में कोई दिक्कत नहीं सुनिएगा। हम हमारे हक की बात करना जरूरी है। 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ होना जो उर्दू घर को नफ्तन ऑफिस किया गया ये पंपलेट निकालने के बाद शादी खाना बनाया सैंक्शन हुआ। इसके अंदर क्लियर हम डिमांड करें तेलंगाना स्टेट के अंदर हर मंडल सेंटर में जो है मुस्लिम आत्मगौरव भवन हो और कॉन्स्टिट्यूंसी सेंटर में शादी खाना बनाना बोल के एक देवर खतरा में काम शुरू हुआ। मैं नगर में प्रोसीडिंग गई अयोध्या की आदत में आए हुए तो यहाँ पे प्रोसीडिंग से जाती कब्रस्तान के प्रोसीडिंग आती शादी खाने के प्रोसीडिंग आती हज हाउस के प्रोसीडिंग आती इससे कोई अमलवारी नहीं होती। और कई लोग जो मुसलमान के नाम पे पोस्ट लिए मैं उनसे गुजारिश करूं आप मुसलमान के नाम पे पोस्ट होना और आप मुसलमान के नाम पे वार्ड वाइज कितने वोट डालते पूछना लेकिन मुसलमान का जो डिस्कशन चल रहा है मुसलमान के मसले जो बात कर रहे उनके खिलाफ मिनिस्टर के पास चुगली करते हैं आप लोग। अरे क्या करेगा भाई मुसलमान को एक मिनिस्टर क्या करेगा MLA क्या करेगा MP क्या करेगा हम तो अल्लाह पे भरोसा रखते जिंदगी गुजारने वाले हैं। नाज़रीन आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।